हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ द होम एकेडमी। होम एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। और आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जम्मू एंड कश्मीर से रिलेटेड, और टॉपिक का नाम है ज्योग्राफी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो इस वीडियो में मैं आपको ज्योग्राफी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर जो है वो पढ़ाऊंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो आप अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना जो है वो ना भूलिए। और अगर आप चाहते हैं आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिले तो बेल आइकन को जो है आपको ज़रूर प्रेस करना होगा। आप हमसे कोई भी जो है वो डाउट पूछना चाहते हैं तो हमारे इंस्टाग्राम पेज पे जो है वो आप पूछ सकते हैं और नीचे भी कमेंट कर सकते हैं। हमारे फेसबुक पे जो है पेज पे हम डेली क्विज जो हमने स्टार्ट की हुई है आपके JKSSB एग्जामिनेशन के लिए, आप जो है उस क्विज में जरूर पार्टिसिपेट कीजिए। तो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो है वो उसमें अपलोड किए जाएंगे। तो आप जानते हैं ज्योग्राफी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर जो हम स्टार्ट करने वाले हैं। आई होप यू विल रियली एंजॉय दिस वीडियो एंड माय एफर्ट्स विल हेल्प यू इन क्रैकिंग यूर एग्जामिनेशन। हम जानते हैं कि जैसे कि डेमोग्राफी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर को जो है चेंज किया गया है, 5 अगस्त को जो है डिसीजन जो है वो पार्लियामेंट में जो लिया था, और फॉर्मली जो है 31 अक्टूबर को जो है जम्मू एंड कश्मीर एक यूनियन टेरिटरी बन गई है। और हमें इसी वजह से हमें अपने जम्मू एंड कश्मीर की जो है हिस्ट्री को भी है दोबारा से रीराइट करना पड़ रहा है, और वहीं पर ज्योग्राफी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर को भी दोबारा से जो है वो रीराइट करना पड़ रहा है, क्योंकि जो है इसका एक पार्ट जो है वो लद्दाख में था। अब जो भी रिवर्स थे जो पहले यहाँ से पास होते थे अब जम्मू एंड कश्मीर का हिस्सा नहीं रहे होंगे। तो या तो बॉर्डर की बात करेंगे कि पहले चाइना से बॉर्डर था जम्मू एंड कश्मीर का पूरे का और अब नहीं है। इस तरीके से बहुत सी चेंजेस जो है वो आई है, और उन सारी चेंजेस के बारे में जो है वो आपको पढ़ना होगा। मार्केट में आप जो भी बुक्स लाएंगे अभी किसी में भी अपडेट नहीं है। मैंने खुद भी जो है बहुत सी बुक्स देखी है बट आपको अपडेट नहीं मिलेगा। लिखा तो गया है 2020 लेकिन वही पुरानी चीजें जो है उनमें अपडेट है। तो सबसे पहले हम जानेंगे, स्टार्ट करेंगे तो डेमोग्राफी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर जैसे कि चेंज की गई है, तो इसी तरीके से यहाँ की बहुत सी ज्योग्राफी की चीजें भी जो है वो चेंज हो गई है। पहले जम्मू एंड कश्मीर जो था ये हमारा जो था वो J&K था, और अब जम्मू एंड कश्मीर को 2 यूनियन टेरिटरी में जो है वो ऐसे डिवाइड कर दिया गया है। और अगर हम देखें ये जो पार्ट है ये अब जम्मू एंड कश्मीर है, और इस पार्ट में से भी जो है पूरा का पूरा जो है वो आज भी जो है वो जम्मू एंड कश्मीर नहीं है। हमारे पास जो जम्मू एंड कश्मीर है जिसकी हमको डेमोग्राफी पढ़नी है वो ये पार्ट रहता है, यहाँ से जो है ये इतना सा पार्ट है, ये वाला पार्ट जो होगा ये हमारा जो है तो इसकी हमें डेमोग्राफी पढ़नी है। और ये वाला जो पार्ट है, बाकी जो पार्ट है ये भी फर्दर जो है वो डिवाइड किया गया है, ठीक है। तो जैसे आप जानते हैं एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है जम्मू एंड कश्मीर, तो ये पार्ट जो है आधा जो है पाकिस्तान जो है उनके, पाकिस्तान इस पे आधे पे एडमिनिस्ट्रेशन कर रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन जो है वहाँ की है, वहाँ का कंट्रोल है किस किस वाले पार्ट पे। ये जो पार्ट है यहाँ से देख रहे हो जिसको मैंने मैप में इस तरीके से दिखाया है, तो ये वाला पार्ट जो है पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेट कश्मीर है, जिसमें कौन कौन से एरिया आते हैं। मुजफ्फराबाद आता है इसमें हमारे पास आता है, ठीक है। इसमें जो है ये पुंछ का एरिया भी आता है, ये वाला पुंछ का एरिया भी आता है, और कोटली का एरिया आता है जो मेन मेन है, और फिर जो है हमारे पास ये मीरपुर का एरिया भी आता है, तो आधा पुंछ का एरिया जो है यहाँ पर भी पड़ता है। तो ये वाला जो है हमें पढ़ना है, और हम जो डील करेंगे अभी वो इंडियन एडमिनिस्ट्रेट कश्मीर से जो है वो डील करने वाले हैं, जिसमें हमारे पास ये मेजर मेजर डिस्ट्रिक्ट जो आपको दिख रही होगी, श्रीनगर, पुलवामा, अनंतनाग, डोडा, कठुआ, जम्मू, उधमपुर, रजौरी, पुंछ, बडगाम, कुपवाड़ा, ये सारी मेन मेन डिस्ट्रिक्ट हैं। तो ये तो मैप आपको मैंने समझा दिया। जब भी आपको ज्योग्राफी पढ़नी है, चाहे आपको किसी की भी ज्योग्राफी पढ़नी है, सबसे पहले आपको जो है उसका मैप बनाना आना चाहिए। तो होपफुली जो है आपको जम्मू कश्मीर का बहुत छोटा सा मैप अब है वो आपको बनाना आना चाहिए। हम क्योंकि हर डिस्ट्रिक्ट के बारे में जो है सेपरेट सेपरेट जो है वो पढ़ेंगे, और कोई भी ऐसी चीज नहीं होगी जो आपके हमारे वीडियो लेक्चर में कवर ना हो, ठीक है। तो हमने क्या क्या चीजें पढ़नी है, तो ज्योग्राफी में हमें सबसे पहले आज की वीडियो में इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, और हम फिजियोग्राफी पढ़ने वाले हैं, हमने ड्रेनेज सिस्टम पढ़ना है,
पूरे जम्मू कश्मीर का, हमें क्लाइमेट पढ़ना है जम्मू एंड कश्मीर का, हमें नेचुरल वेजिटेशन एंड पार्क्स के बारे में पढ़ना है जम्मू एंड कश्मीर से रिलेटेड, हमें जम्मू एंड कश्मीर की सॉइल्स के बारे में पढ़ना है और सॉइल्स के साथ हम क्या क्या इसमें रिसोर्सेज है उनके बारे में पढ़ेंगे, मतलब हम एनर्जी के रिसोर्सेज के बारे में पढ़ने वाले हैं, हम नेचुरल रिसोर्सेज मिनरल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, और उसी के बाद जो हमारे पास जो है एग्रीकल्चर जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेगा और यहाँ से भी आपका क्वेश्चन जरूर बनेगा, और उसके अलावा हमारे पास इंडस्ट्रीज कौन कौन सी उनके बारे में पढ़ेंगे, हम अपने ट्रांसपोर्ट सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, हम कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ेंगे और कैसे ट्रेड की जाती है उसके बारे में हमें पढ़ना है, और साथ में जो है लेटेस्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है मैं अपडेट करूँगा और फिर जो है उसकी आपके पास जो है वो वीडियो जो है वो लेके आएंगे। तो मतलब कुल मिलाकर हमको ये चीजें जो है वो पढ़नी है। तो ये जो था वो ओवरव्यू था आपके लिए। तो अब स्टार्ट करेंगे आज का हम अपना लेक्चर। तो स्टार्ट करते हैं जम्मू एंड कश्मीर के बारे में। आज देख लीजिए जो हम एशिया की बात करेंगे, ये हमारा एशिया का मैप है, ये हमारा एशिया का मैप है, और जम्मू एंड कश्मीर जो है ये वाला पार्ट है। कौन सा पार्ट? ये वाला जो पार्ट है ये जम्मू एंड कश्मीर है। तो अगर हम यहाँ पर जो है नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट बनाए तो ये हमारा क्या होगा, सॉरी, तो हम देखेंगे ये वाला पार्ट हमारे पास नॉर्थ होगा, ये वाला पार्ट हमारे पास साउथ होगा, ये वाला ईस्ट होगा और ये वाला हमारे पास वेस्ट होगा। तो ये हमने एशिया का मैप शो किया। तो जम्मू एंड कश्मीर की जो पोजीशन यहाँ पर रहेगी वो पोजीशन को हम जानेंगे जो कि यहाँ पर आ रही है, मतलब ये नॉर्थ और वेस्ट के बीच में जो है वो आ रही है, और यहीं पर हम बात करेंगे द जम्मू एंड कश्मीर फॉल्स अंडर द ग्रेट नॉर्थ वेस्टर्न कॉम्प्लेक्स, किसमें? द ग्रेट नॉर्थ वेस्टर्न कॉम्प्लेक्स में ऑफ द हिमालयन रेंज। तो आप जानते हैं मैंने माउंटेन पढ़ाया था आपको ज्योग्राफी ऑफ इंडिया में 2-4 दिन पहले, और उसमें हिमालयन रेंज के बारे में मैंने आपको अच्छे से डिटेल में पढ़ाया है। तो आप देख सकते हैं जम्मू एंड कश्मीर की पोजीशन के बारे में हम बात कर रहे हैं तो कहाँ पर ये लाई करेगी, नॉर्थ वेस्टर्न कॉम्प्लेक्स ऑफ द हिमालयन रेंज। और अगर मैं इंडिया के मैप की बात करूंगा तो इंडिया का मैप ये है, जो ये है हमारे पास जम्मू एंड कश्मीर है, ये नॉर्थ होगा और ये यहाँ से नीचे जो है साउथ होगा, ये ईस्ट होगा और ये वेस्ट होगा। तो हम कह सकते हैं जम्मू एंड कश्मीर इज द नॉर्दर्न मोस्ट स्टेट ऑफ इंडिया। क्या कह सकते हैं? जम्मू एंड कश्मीर जो है वो क्या है? नॉर्दर्न मोस्ट स्टेट है, किसकी? इंडिया की। ठीक है, अब यहाँ पर क्या क्या चेंजेस हुई है। पहले हम जम्मू एंड कश्मीर के बारे में बात करते थे तो यहाँ के एरिया की बात करते थे, तो यहाँ का एरिया जो था वो कितना था, 2,22,236 जो था ये हमारा जम्मू एंड कश्मीर का जो वो एरिया था। आज से पहले जो भी बच्चे पढ़ रहे थे, प्रिपरेशन कर रहे थे, तो हम इस एरिया को पढ़ते थे, कितना एरिया हम पढ़ते थे, ठीक है, 2,22,236 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया हम पढ़ते थे जम्मू एंड कश्मीर का। लेकिन हम ने जैसे अभी पढ़ा कि इसको जम्मू एंड कश्मीर को जो है वो दो पार्ट में जो है डिवाइड कर दिया गया है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो ये वाला जो पार्ट है ये जम्मू एंड कश्मीर है और ये वाला जो पार्ट है दूसरा ये कौन सा हमारे पार्ट है, लद्दाख का पार्ट है। और अब जो जम्मू कश्मीर का एरिया है वो कितना है, 42,241 किलोमीटर का एरिया है। कितना एरिया है? 22,241 किलोमीटर का एरिया है। तो आपको एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है क्योंकि ये एक चेंजेस हुई है, यहाँ पर चेंज हुई है। दूसरी बात है लद्दाख के एरिया की बात करेंगे तो क्या है, 59,146 जो है वो स्क्वायर किलोमीटर लद्दाख का एरिया है। और अगर मैं 2011 के सेंसिस की बात करता हूँ, 2011 की जो है मैं सेंसिस की बात करूंगा 2011 के, तो उसके मुताबिक जो पॉपुलेशन थी जम्मू एंड कश्मीर की वो कितनी थी, 99,44,283 जो थी जम्मू एंड कश्मीर की पॉपुलेशन थी। और वहीं पर अगर हम लद्दाख की बात करते हैं तो 2,90,492 जो थी पॉपुलेशन थी। तो आपका पहला पॉइंट है यहाँ पर क्लियर होना चाहिए, जम्मू एंड कश्मीर का पहला एरिया कितना था, 2,22,236 किलोमीटर था। और जम्मू एंड कश्मीर का आज का प्रेजेंट एरिया अगर पूछा जाए 42,241 स्क्वायर किलोमीटर होगा। और यहीं पर हम लद्दाख की बात करेंगे तो कितना होगा लद्दाख का एरिया, 59,146 होगा। पॉपुलेशन जम्मू एंड कश्मीर की 99,44,283 2011 के सेंसस के मुताबिक, और लद्दाख की जो पॉपुलेशन होगी 2,90,492 है
2011 के सेंसस के मुताबिक। तो यहाँ पर जो है आगे हम और क्या पढ़ेंगे, अब जैसे कि हमने जाना कि जम्मू एंड कश्मीर जो है एक यूनियन टेरिटरी बन गया है, ठीक है, और ये कब बना है, 31 अक्टूबर 2019 को। तो यहाँ से आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछा जा सकता है, 5 अगस्त को नहीं बना, फॉर्मली जो बना है वो कब बना है, 31 अक्टूबर 2019 को बना है। जम्मू एंड कश्मीर में आज के प्रेजेंट डिस्ट्रिक्ट कितनी है, 20 डिस्ट्रिक्ट है, और आज से पहले कितनी डिस्ट्रिक्ट थी, 22 डिस्ट्रिक्ट होती थी, ठीक है। तो आज की प्रेजेंट डिस्ट्रिक्ट कौन सी है, इसमें 20 डिस्ट्रिक्ट है, कौन कौन सी वो डिस्ट्रिक्ट है वो आपको नाम भी याद होने चाहिए, आगे हम डिस्कस करेंगे। और आज की पॉपुलेशन जो कि अभी हमने पढ़ ली, पॉपुलेशन कितनी है। और अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ पूरा का पूरा, जैसे ये जम्मू एंड कश्मीर है और यहाँ की अगर हम पॉपुलेशन की डेंसिटी की बात करें तो वो कितनी है, 240 स्क्वायर किलोमीटर है। तो यहाँ पर आपको बात याद रहे जिसकी पॉपुलेशन डेंसिटी है वो कितनी है, 240 स्क्वायर किलोमीटर है, मतलब एक स्क्वायर किलोमीटर में जो है 240 लोग जो है वो रह रहे हैं। और इससे पहले अगर हम बात करते हैं जो स्टेट की जो टोटल हमारे पास पॉपुलेशन थी, इन दोनों को मिलाकर पॉपुलेशन थी, और वो कितनी पॉपुलेशन थी, वो थी 12 लाख, सॉरी 1 करोड़, तो अप्रोक्सीमेटली थी 1 करोड़, उसके अलावा कुछ 2.5 लाख कुछ के आसपास थी, मतलब 1 करोड़ 25 हजार के आसपास जो है वो पॉपुलेशन जो है वो मानी गई थी। तो वो एक बार देख लेना वो डेटा, बट अब काम का डेटा नहीं है। तो हाईएस्ट एलिवेशन यहाँ पर दो पॉइंट हम बात करेंगे, ये जम्मू एंड कश्मीर में जो है हाईएस्ट एलिवेशन पॉइंट क्या है और लोवेस्ट एलिवेशन पॉइंट क्या है। तो हाईएस्ट एलिवेशन पॉइंट जो है नून पीक है, नून कुन पीक जो है वो हाईएस्ट एलिवेशन पॉइंट माना जाता है, ठीक है। और यहाँ पर लोवेस्ट की पॉइंट की बात करेंगे तो चिनाब है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये दोनों, ठीक है, वो अभी देख लेते हम आगे। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो होपफुली जो है इसका आप स्क्रीनशॉट जो है वो ले सकते हैं, ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलते हैं आगे। अब मैंने कहा कि हाईएस्ट पॉइंट कौन सा है, नून जो है वो हाईएस्ट पॉइंट है, और साथ में जो है नून कुन जो है दो चोटियां हैं, उनके बारे में भी आप पढ़ लेते हैं। चलिए, ये हमारे पास जो है दो चोटियां हैं, ये हमारे पास नून है और ये हमारे पास कुन है, ये दो चोटियां हैं। द नून कुन माउंटेन मैसिव कॉन्सिस्ट ऑफ ए पियर ऑफ हिमालयन पिक्स, ये दो पियर है, मतलब एक ये है नून है और ये कुन है, ये दो, इन दोनों को मिलाकर ये एक पियर बन जाता है, पियर ऑफ द हिमालयन पिक्स। और यही जो नून है इसकी हाइट कितनी है, 7,135 मीटर, इसे माना जाता है हाईएस्ट एलिवेशन पॉइंट इन द जम्मू एंड कश्मीर। और इसी के जो नेबर है ये कौन है, कुन पीक है, जिसकी हाइट जो है 7,077 मीटर की है। अगर फीट में पूछा जाए डेटा तो 23,409 फीट है। और यहीं पर अगर हम बात करते हैं चिनाब की, चिनाब रिवर यानी, तो ये चिनाब जो है लोवेस्ट एलिवेशन पॉइंट है। और चिनाब रिवर की अगर हम बात करते हैं, द रिवर इज फाउंड बाय द कन्फ्लुएंस ऑफ टू रिवर, और वो दो रिवर कौन कौन से है, चंद्रा एंड भागा। तो ये रिवर कैसे बनता है, चिनाब चंद्रा और भागा के कन्फ्लुएंस से बनता है। इस पे हमारी जो है पूरी की पूरी एक वीडियो जो है वो अपलोड है, ड्रेनेज सिस्टम इन इंडिया कर कर, उस पे दो वीडियोस अपलोड है जिसमें सारे के सारे ड्रेनेज सिस्टम को जो है समझाया गया है, आप उस वीडियो को जो है वो जरूर देख लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम चिनाब की सोर्स की बात करेंगे, ठीक है, वो क्या है, बारालाचा पास। बारालाचा पास जो कि स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में था, तो हिमाचल और जो है लद्दाख लेह को जो है ये कनेक्ट करता है। लास्ट वीडियो में ज्योग्राफी ऑफ इंडिया में भी जो हमने बात को डिस्कस किया था। अगर हम बात करते हैं चिनाब की, द वाटर ऑफ द चिनाब वर एलोकेटेड टू द पाकिस्तान, जो चिनाब का ये हमारे पास रिवर चिनाब है, आप देख सकते हैं रिवर चिनाब है, और इसका जो पानी है ये कहाँ जाता है, इंडस वाटर ट्रीटी के तहत जो है ये पाकिस्तान को एलोकेट किया जाता है, इंडस वाटर ट्रीटी के, ठीक है, और के मुताबिक। अब अगर यहीं पर हमें एक बात और याद रखनी है, जो हमारा चिनाब है, चिनाब पे जो है ये आपको एक ब्रिज दिख रहा होगा, ठीक है, ये रेलवे ब्रिज जो है, ठीक है, ये यहाँ पर जो है हाईएस्ट रेलवे ब्रिज जो है ये बना हुआ है चिनाब रिवर पे, ठीक है, इसके बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे। चिनाब लोवेस्ट एलिवेशन पॉइंट जो है वो कितना है, 247 मीटर, हाईएस्ट एलिवेशन जो है वो कितना है, 7,135 मीटर का है, और लोवेस्ट एलिवेशन पॉइंट जो है 247 मीटर का है, जिसमें 810 फीट आता है। कोऑर्डिनेट की बात करेंगे हम जम्मू कश्मीर के, तो 33.72 नॉर्थ डिग्री नॉर्थ हैगा, और ईस्ट की बात करेंगे तो 76.5
सेवन होगा। तो ये जो थे मेन मेन पॉइंट्स थे जम्मू एंड कश्मीर से रिलेटेड। चलिए आगे देख लेते हैं। अच्छा मुझे बोलना, ये जो रेलवे ब्रिज जम्मू कश्मीर के चिनाब रिवर पे ब्रिज है, ये जो है वो किस डिस्ट्रिक्ट में बना हुआ है? आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिख लेना। बात करेंगे टोपोग्राफी ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर। तो यहाँ पर जो है जम्मू एंड कश्मीर की जो है वो टोपोग्राफी को जो है पढ़ने वाले हैं हम यहाँ पर। अब जानते हैं फिजिकल डिवीजन, अगर हम स्टेट की बात करते हैं, इससे पहले जो हमारे पास था सब हिमालयन जम्मू था, ये हमारे पास जो था वो क्या था, सब हिमालयन जम्मू, और इसके बाद जो थी वो हिमालयन कश्मीर था, और फिर लद्दाख जो था ट्रांस हिमालयन लद्दाख था, जो कि अभी हम हिमालयन माउंटेन ज्योग्राफी अभी इंडिया में पढ़ रहे हैं उसमें नेक्स्ट टॉपिक हम यही डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमने पढ़ना है जम्मू कश्मीर की जो टोपोग्राफी है। तो यहाँ पर जो है जम्मू कश्मीर इज होम टू सेवरल वैलीज, यहाँ पर बहुत ज्यादा वैलीज है। कौन कौन सी वो वैलीज है उनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, कौन कौन सी वो वैली है, जैसे कि यहाँ पर क्या है लिखा है, पहला कश्मीर वैली, तो पहली वैली कौन सी आ गई, कश्मीर वैली आ गई। इसके बाद कौन सी वैली आ गई, चिनाब वैली आ गई। फिर कौन सी वैली आ गई, पुंछ वैली आ गई। और फिर कौन सी वैली आ गई, सिंध वैली आ गई। और कौन सी वैली आ गई, लीडर वैली आ गई। तो ये मेन मेन वैलीज है जिनके बारे में हमको अलग से अच्छे से पढ़ना होगा। तो आपको पता है कश्मीर वैली, सारे जानते हैं कश्मीर वैली कहाँ पर है, तवी वैली को भी आप जानते हैं, चिनाब वैली को भी जानते हैं आप, रामबन से लेकर जो है किश्तवाड़ डोडा डिस्ट्रिक्ट, ठीक है ये चिनाब वैली है। पुंछ वैली को भी आप जानते हैं, नाम ही पुंछ, ठीक है तो पुंछ वैली ही वही है पूरी की पूरी। सिंध वैली, ठीक है सिंध वैली कहाँ पर है, इट एक्सटेंड फ्रॉम गांदरबल से जो जिला तक। तो सिंध वैली के लिए इंपॉर्टेंट याद रख लेना कहाँ से कहाँ तक शुरू है, गांदरबल से स्टार्ट होता है टू द जो जिला पास, तो टोटल डिस्टेंस ये 100 किलोमीटर का कवर करता है। और रिवर जो सिंध है वो यहाँ से जो है वो पास होता है, जिसकी लेंथ जो है वो गांदरबल डिस्ट्रिक्ट में कितनी है ये भी हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये मेन मेन पॉइंट है, और इसके बाद जो है वो लीडर वैली है। चलिए, तो यूनियन टेरिटरी ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर कॉन्सिस्ट ऑफ टू डिवीजन, जैसे कि पहले यहाँ ये हमारे पास जम्मू एंड कश्मीर था, तो अब जो है जम्मू कश्मीर जो है इसे जो है दो डिवीजन में जो है जम्मू कश्मीर को बाइफरकेट कर दिया गया है। अब कौन कौन से वो डिवीजन है, एक हमारे पास कश्मीर डिवीजन बचता है और एक हमारे पास जम्मू डिवीजन है। लद्दाख डिवीजन जो है वो हमें नहीं पढ़ना, ठीक है लद्दाख डिवीजन जो हमें नहीं पढ़ना। तो हमारे पास कौन कौन से वो डिवीजन है जो भी हम पढ़ने वाले हैं, एक हमारे पास कश्मीर डिवीजन है, एक हमारे पास जम्मू डिवीजन है। तो ये हमारे पास जम्मू डिवीजन है और कश्मीर डिवीजन है, जिनको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, और फर्दर जो है इनको 20 डिस्ट्रिक्ट्स में जो है वो डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो ये पॉइंट जो है वो याद रहेंगे आपको, दो डिवीजन में और 20 डिस्ट्रिक्ट्स में जो है वो डिवाइड किया गया है। चलिए, अब वो कौन कौन सी 20 डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनके बारे में हम पढ़ते हैं। तो टोटल जो है वो कितनी डिस्ट्रिक्ट्स है, 20 डिस्ट्रिक्ट्स है, और 10 डिस्ट्रिक्ट जो है वो जम्मू प्रोविंस में है, और 10 डिस्ट्रिक्ट जो है, 10 डिस्ट्रिक्ट जो है वो कश्मीर प्रोविंस में है। कौन कितनी डिस्ट्रिक्ट है, 10 डिस्ट्रिक्ट जो है वो जम्मू प्रोविंस में है, और अगली 10 डिस्ट्रिक्ट जो है वो कश्मीर प्रोविंस में है। और यहीं पर बात याद रखते हैं इनके एरिया की, तो वो कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट है, पहले जम्मू आता है, कठुआ आता है, सांबा आता है, उधमपुर आता है, रियासी आता है, किश्तवाड़ आता है, डोडा डिस्ट्रिक्ट है, रामबन डिस्ट्रिक्ट है, राजौरी डिस्ट्रिक्ट है, और पुंछ डिस्ट्रिक्ट है। अब ये सारी की सारी डिस्ट्रिक्ट है और इनका एरिया जो है वो मैंने आगे लिख लिया है, यह एरिया जो है मैंने गूगल से कॉपी किया है, ठीक है विकिपीडिया से डायरेक्टली मैंने जो है वो कॉपी कर करके जो है ये एरिया कलेक्ट करके आपको दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर जो है क्योंकि कुछ कुछ बुक्सों में जो है अलग अलग लिखा था, अब जैसे जम्मू का एरिया 2336 था और कहीं कहीं 30067 भी लिखा गया था, तो इस मैंने जो है ये सीधा विकिपीडिया से लिख लिया है। तो आप देख लीजिए जम्मू का एरिया, इन सारों एरिया को हमने एक बार देखा, तो इससे हमें क्या पता चलता है, जो सबसे बड़ी डिस्ट्रिक्ट है इन टर्म्स ऑफ एरिया वो कौन है, किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट। तो किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट जो होगी जम्मू प्रोविंस में सबसे बड़ी डिस्ट्रिक्ट होगी, जिसका एरिया 7,737 स्क्वायर किलोमीटर है। और इससे पहले सबसे बड़ी डिस्ट्रिक्ट डोडा डिस्ट्रिक्ट थी, क्योंकि जो किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट थी वो डोडा डिस्ट्रिक्ट का ही पार्ट था, तो अब बाद में जो है किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट को जो है वो अलग कर दिया गया। तो अब जो हमारे पास सबसे बड़ी डिस्ट्रिक्ट बचती है वो किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट बचती है।
और यहीं पर हम बात करेंगे सबसे छोटी डिस्ट्रिक्ट के बारे में। जम्मू प्रोविंस में सांबा आती है, जिसका स्क्वायर 910 स्क्वायर किलोमीटर एरिया है। आपको पता है सांबा और शोपियां जो है ये लास्ट की दो डिस्ट्रिक्टें हैं। ये JK-21 गाड़ियों पे लिखा होगा, JK-21 और शोपियां की गाड़ी पे JK-22, क्योंकि ये जो है 21वें और 22वें नंबर पे लास्ट दो डिस्ट्रिक्टें बनी थी। तो ये सबसे छोटी दो डिस्ट्रिक्टें हैं। सांबा डिस्ट्रिक्ट जो है वो कौन सी होगी, 910 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है। आप ये एरिया जो है मैंने विकिपीडिया से लिया है, तो इस एरिया के मुताबिक हम ये कह सकते हैं कि ये सबसे छोटी डिस्ट्रिक्ट है। सांबा डिस्ट्रिक्ट जो है वो जम्मू प्रोविंस में सबसे छोटी डिस्ट्रिक्ट है। और यहीं पर अगर हम कश्मीर डिस्ट्रिक्ट की बातें करें, तो यहाँ पर जो है बारामूला डिस्ट्रिक्ट जो है वो सबसे बड़ी डिस्ट्रिक्ट है। बारामूला डिस्ट्रिक्ट जो होगी वो सबसे बड़ी डिस्ट्रिक्ट होगी। अगर आपके पास पूछा जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट इन कश्मीर प्रोविंस, तो बारामूला डिस्ट्रिक्ट आपका आंसर होगा। पूछा जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट इन द जम्मू प्रोविंस, तो किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट आपका आंसर होगा। अगर आपको पूछा जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट इन द जम्मू एंड कश्मीर, तो आपका आंसर किश्तवाड़ ही होगा। और अगर आपको पूछा जाता है स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट इन द कश्मीर प्रोविंस, तो एज पर विकिपीडिया तो वो क्या होगी, 612 स्क्वायर किलोमीटर जिसका एरिया है सबसे कम शोपियां डिस्ट्रिक्ट का। और अगर हम ओवरऑल देखें जम्मू कश्मीर में, तो शोपियां डिस्ट्रिक्ट का ही सबसे कम एरिया जो है वो होगा। तो याद रहे आपको शोपियां डिस्ट्रिक्ट, ठीक है? तो एक बार जो है आप और भी जो है वो चेक कर लेना, ठीक है? अगर आपको लगता है कोई भी ऐसा पॉइंट है जिसमें आपको मतलब लग रहा है कि कोई भी डाउट होगा, तो आप जो है कमेंट कर सकते हैं, और जो है इंस्टाग्राम पे या बाकियों पे भी जो है वो मैसेज करके जो क्लियर कर सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं आप। चलिए आगे हम देखते हैं। अब हमने पढ़ना है हर किसी डिस्ट्रिक्ट के बारे में। जितनी भी डिस्ट्रिक्ट हमने पढ़ी, ये हमने सारी अभी जो भी ये डिस्ट्रिक्ट पढ़ी, इन सारों डिस्ट्रिक्ट के बारे में हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट हमारी आती है जम्मू डिस्ट्रिक्ट, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। और इसके बारे में क्या क्या पढ़ना है वो हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है। तो जम्मू डिस्ट्रिक्ट के बारे में हम स्टार्ट करते हैं पढ़ना। तो ये हमारी पहली डिस्ट्रिक्ट है, देख लीजिए। अब जो जम्मू एंड कश्मीर जो हमारा ये J&K का जो है वो मैप है, ठीक है? ये पूरे जम्मू कश्मीर का जो मैप है ये हमारा है, और जिसको बाइफरकेट करके जो है अब जो है इन्होंने यूनियन टेरिटरी बना दिया है, ठीक है? अब हमें अपने को इस एरिया में कॉन्फाइंड रखना है, ये एरिया जो व्हाइट रंग का है। तो हम इसमें जम्मू की अगर हम लोकेशन देखें, तो जम्मू की लोकेशन ये ब्लू कलर का आपको जो दिख रहा है, ये हमारे पास जम्मू है, छोटी सी डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर, ठीक है? अब जम्मू जो है बेशक छोटी है, लेकिन यहाँ ये जो है मोस्ट पॉपुलेस डिस्ट्रिक्ट है जम्मू एंड कश्मीर की। अगर आपके पास पूछा जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट पॉपुलेस डिस्ट्रिक्ट ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर, तो क्या आपका आंसर होगा, जम्मू। तो जम्मू जो है वो याद रखेंगे इज द मोस्ट पॉपुलेस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर। वे और साथ में याद रखेंगे ये विंटर कैपिटल भी है जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी की। और यहीं पर याद रखेंगे इसका दूसरा नाम जो है सिटी ऑफ द टेम्पल्स भी कहा जाता है इसको। जम्मू को जो है सिटी ऑफ द टेम्पल्स भी कहा जाता है। और विंटर में जो है ये यूनियन टेरिटरी की जो है वो कैपिटल है, ठीक है? और यहीं पर याद रखेंगे बाद द कैपिटल मूव्स टू श्रीनगर सिटी इन द समर, श्रीनगर में जो है वो समर में जो है कैपिटल जो है वो शिफ्ट की जाती है। और इसका टोटल एरिया की बात करेंगे कितना है, 2,336 स्क्वायर किलोमीटर का जो है जम्मू का जो है वो एरिया है, याद रखेंगे आप। और अगर स्क्वायर माइल्स में पूछा जाए तो 902 स्क्वायर माइल्स है। और 2011 के सेंसिस के मुताबिक की मैं बात करूं, तो टोटल जो है यहाँ की पॉपुलेशन 15 लाख के आसपास है। तो याद रहेगा तो एक तो मोस्ट पॉपुलस डिस्ट्रिक्ट माना गया है इसको, और इसकी जो टोटल पॉपुलेशन है वो कितनी है, 15 लाख के आसपास है 2011 के सेंसस के मुताबिक। अब जो नया सेंसस होगा तो नया डाटा हमारे पास आएगा, ठीक है? तो डेंसिटी की अगर मैं बात करूं, हमने स्टेट की जो है वो यूनियन टेरिटरी की डेंसिटी जो हमने स्टार्ट में देखी थी, तो कितनी थी, 240 के आसपास थी ना, 240 के आसपास। मतलब जो जम्मू की डेंसिटी है वो 650 है, तो एक स्क्वायर किलोमीटर में 650 लोग रह रहे हैं। मतलब जो हमारी ये नेशनल स्टेट की एवरेज जो है, ठीक है, उससे जो है ये कहीं ज्यादा है, डबल से भी ज्यादा है। तो याद रहे आपको डेंसिटी ऑफ द जम्मू कितनी है, 650 स्क्वायर किलोमीटर है। और जम्मू इज सिचुएटेड ऑन द हिल लॉक ऑन द बैंक ऑफ द रिवर तवी, तो जम्मू जो है एक हिल लॉक है,
ठीक है, कौन सा एरिया जम्मू वैली जो है ये तवी वैली जो है ये हिल लॉक है, जो कि बैंक ऑफ रिवर तवी के जो है आसपास जो है ये सिचुएटेड है। तो कौन सा रिवर जो है जम्मू से जो है वो पास होता है, वो तवी रिवर है। अब हम जम्मू की जो है मैप में लोकेशन देख लेते हैं। अगर लैटिट्यूड की मैं बात करूंगा और मैं यहाँ पर लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड की अगर मैं बात करता हूँ, तो जम्मू की पोजीशन कहाँ पर होगी, 74 डिग्री 24 एंड 75 डिग्री 18 ईस्ट लैटिट्यूड है, और 32 डिग्री 50 एंड 33 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड है। तो इस बात को भी जो है आप याद रख लेना, कभी कभी डायरेक्ट पूछा जाता है। अगर अब मैं बात करता हूँ दिल्ली से, जो दिल्ली है कहीं यहाँ पर है इंडिया की कैपिटल, उससे जम्मू का जो है वो डिस्टेंस कितना है, तो कितना है 600 किलोमीटर है अवे फ्रॉम द नेशनल कैपिटल दिल्ली, एंड इज लिंक्ड बाय द नेशनल हाईवे। नेशनल हाईवे से भी लिंक है, ट्रेन से भी लिंक है, और जो तीसरा मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है हमारा, ठीक है, एयरप्लेन एयरबस, उससे भी जो है कनेक्ट है। वाटरवे से जो है ये कनेक्ट नहीं है। सो द डिस्ट्रिक्ट फॉल्स अंडर द सब माउंटेनियस रीजन, तो किस में ये फॉल करती है, जम्मू डिस्ट्रिक्ट सब माउंटेनियस रीजन में। हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं जम्मू डिस्ट्रिक्ट के बारे में, जम्मू प्रोविंस के बारे में नहीं, सिर्फ जम्मू डिस्ट्रिक्ट के बारे में हम पहले जान रहे हैं। चलिए अगला पॉइंट। सो जम्मू डिस्ट्रिक्ट इज सिचुएटेड ऑन द साउदर्न स्लोप ऑफ द शिवालिक्स। तो याद रहे ये हमारे पास जम्मू डिस्ट्रिक्ट का जो है वो क्या है, वो मैप है। तो जम्मू डिस्ट्रिक्ट की जो है पोजीशन है, जम्मू सिटी की जो पोजीशन है वो कहाँ पर है, साउदर्न स्लोप ऑफ द शिवालिक। ये शिवालिक क्या है, शिवालिक रेंज है। क्या है शिवालिक, अब माउंटेन में हमने पढ़ा था अपनी ज्योग्राफी ऑफ इंडिया की वीडियोस में कि माउंटेन क्या होता है, माउंटेन रेंज किसको कहते हैं, माउंटेन चेन किसको कहते हैं, और यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं शिवालिक रेंज। और मैंने पढ़ाया था आपको, ठीक है, अरावली रेंज के बारे में भी। तो शिवालिक रेंज जो है इट राइजेज ग्रेजुअली फ्रॉम बिहाइंड द जम्मू टाउन एंड मर्ज इनटू द इंडो गैंगेटिक प्लेन। जम्मू के आसपास से जो है वो स्टार्ट होती है और इंडो गैंगेटिक प्लेन में जो है साउथ में जो है वो ये सब आगे जो है वो मर्ज हो जाती है। और ये जो सिटी है जम्मू सिटी, अगर इसकी एलिवेशन की बात करूं 1030 फीट है। तो अगर पूछा जाए जम्मू सिटी की एलिवेशन जो है वो कितनी है, मतलब ये सी लेवल से जो किस हाइट पे है, तो कितना है, 1030 फीट पे है। हमारे पास कुछ जैसे कि हमारे पास पटनी टॉप है, वो तकरीबन जो है 3500 फीट पे है। हमारे पास जो है ये फेमस जो हमारे पास किश्तवाड़ के आसपास जो ये क्या है, सिंथन टॉप, सॉरी सिंथन टॉप, उसकी भी कुछ 5000 फीट तक हाइट है। हमारे पास भद्रवाह है 1600 फीट तक है, श्रीनगर है उसकी 1600 फीट तक है। तो ठीक है, तो ये कुछ फीट जो है वो आपको याद रखने होंगे एलिवेशन हर किसी जो है डिस्ट्रिक्ट का, और जो जो मेन मेन टूरिस्ट अट्रैक्शन है उनका तो याद रखना होगा। अब इस डिस्ट्रिक्ट की मैं बात करता हूँ, द डिस्ट्रिक्ट जो जम्मू डिस्ट्रिक्ट है इट इज बॉन्डेड इन द नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट बाय द रियासी। ये हमने मैप बनाया, हमारे पास नॉर्थ ये होता है, हमारे पास साउथ ये वाला रीजन है, हमारे पास ये ईस्ट है, ठीक है, ये ईस्ट है, और हमारे पास ये रीजन जो है वो वेस्ट है। यहाँ पर ये वाला मैप जो है मैं खुद नहीं बना सका जो ये, ठीक है, क्योंकि ये मैंने जो है वो डाउनलोड किया हुआ है तो उतना टाइम नहीं होता, ठीक है। अगर आप में से जो है कोई कंट्रीब्यूट करना चाहता है, जो जो है ग्राफिक थोड़ा जानता है, तो जरूर कमेंट कीजिए, ठीक है। कुछ और चीजें मेरे प्रोजेक्ट है वो भी मैंने बनवाने हैं, ठीक है, क्योंकि उतना टाइम नहीं मिलता। अगर आप में से कोई कंट्रीब्यूट करना चाहता है तो जरूर कीजिए। अब यहाँ पर बात करते हैं हम डिस्ट्रिक्ट के बारे में। जो जम्मू डिस्ट्रिक्ट है अगर हम इसके नॉर्थ में देखें तो ये क्या होगा, यहाँ पर रियासी, ये हमारा नॉर्थ है, और नॉर्थ में क्या होगी, रियासी होगी, और इसी के नॉर्थ में जो है वो उधमपुर भी होगा, ठीक है। रियासी और उधमपुर जो है वो, ये हमारे पास उधमपुर है, तो मतलब रियासी और उधमपुर जो है जम्मू के जो है वो नॉर्थ में पड़ते हैं। रियासी जो है वो कहाँ पर है, बेसिकली ये नॉर्थ ईस्ट में पड़ता है। मैं आपको अच्छे से दिखाता हूँ, ये हमारे पास जैसे नॉर्थ है और ये हमारे पास ईस्ट है, और ये डिस्ट्रिक्ट जो है वो इधर पड़ती है, इनके बीच में ये वाले रीजन में। ये रीजन जो होगा वो नॉर्थ ईस्ट होगा। डायरेक्शन टेस्ट मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, आप उसमें अच्छे से समझ सकते हो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन कौन सी होती है। और यहीं पर मैं बात करता हूँ जो कठुआ है, यहाँ पर हमारे पास इस रीजन में कठुआ आता है, साउथ ईस्ट में जो है वो
जम्मू के साउथ ईस्ट में जो है, ये साउथ ईस्ट में जो है वो कठुआ आता है, ठीक है। कठुआ, सांबा, ये सारे साउथ ईस्ट में पड़ते हैं। और फिर अगर मैं इसके लिए बात करूँ साउथ में कौन पड़ता है, तो साउथ में जो है ये हमारे पास साउथ है, तो साउथ में हमारे पास पंजाब पड़ता है। कौन सा एरिया पड़ता है? पंजाब पड़ता है। और अगर मैं यहीं पर मैं बात करूँ ये वाले एरिया में, तो यहाँ पर जो है पाकिस्तान सियालकोट पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे सियालकोट डिस्ट्रिक्ट ऑफ द पाकिस्तान पड़ती है जम्मू के साउथ वेस्ट में। होपफुली जो है ये मैप जो है आपको क्लियर हो गया होगा। हम अपने लेक्चर को कंटिन्यू आगे करते हैं, ठीक है। और आपको एक और बात भी याद रखनी है, जो पुंछ डिस्ट्रिक्ट है इसको हम भूल गए। पुंछ डिस्ट्रिक्ट जो है इट लाइज इन द नॉर्थ वेस्टर्न, ये हमारे पास नॉर्थ है और ये हमारे पास वेस्ट है। और ये पुंछ डिस्ट्रिक्ट रजौरी पुंछ जो है इस एरिया में पड़ते हैं जम्मू के, ठीक है, ये वाला एरिया। तो यहाँ पर हमारे पास जो है हर किसी स्टूडेंट को जो है वो क्लियर हो गया होगा ग्राफ, ये मैप। चलते हैं आगे। चलिए, ये हमारे पास अगली स्लाइड है। तो हम पढ़ेंगे जम्मू सिटी इज सिटुएटेड अवर टू बोथ द रिवर्स ऑफ द टू बोथ द बैंक्स ऑफ द रिवर तवी एंड कवर्स द शिवालिक रेंज एज वेल एज द जम्मू प्लेन। तो हमने देखा जो जम्मू सिटी है वो पूरे के पूरे एरिया में जो है वो सेपरेट है। हमने मैप में देखा वो जो है तवी रिवर के बैंक के, तवी रिवर के आसपास भी जो है, तवी रिवर जैसे जैसे आगे चल रहा है तो जम्मू सिटी भी साथ साथ चल रही है। और हम जैसे देख भी सकते हैं पूरा का पूरा अपना जम्मू जो है बिक्रम चौक से लेके जैसे जैसे तवी रिवर आगे चलता है वो सिटी भी जो है आगे आगे चलती रहती है, ठीक है। और आगे जो है शिवालिक हिल्स जो है उसे भी कवर करता है जम्मू। जम्मू सिटी जो है शिवालिक हिल्स के आस साथ 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 भी आगे चलती जा रही है। और आगे जो है जम्मू के जितने जितने प्लेन्स आते हैं वहां पर, वहां तक जो है जम्मू सिटी फैली हुई है। यहाँ पर हम शिवालिक्स के बारे में बात करें, ये देखिए ये शिवालिक्स है, ये वाला जो है रीजन है ये हमारे पास शिवालिक रेंज है। और जम्मू की लोकेशन ये यहाँ पर है, ठीक है। रिलेटिवली लो आउटरमोस्ट हिल्स ऑफ द हिमालयाज अलोंग इट्स लेंथ फ्रॉम द इंदस टू द ब्रह्मपुत्र, ये हमारे पास ब्रह्मपुत्र है, यहाँ पर इंदस तक जो है ये शिवालिक रेंज जो है वो आती है, ठीक है। ब्रह्मपुत्र से जो है वो शिवालिक रेंज जो है यहाँ से या होके यहाँ तक जो है वो आती है। आप नीचे वाले ग्राफ में अच्छे से देख सकते हैं, जिसमें हमने ये ट्राई का रीजन दिखाया है, ये येल्लो में शिवालिक, यहाँ पर शिवालिक हिल्स दिखाए गए हैं, इससे ऊपर जो है और रेंजे दिखाई गई है, ये फिर यहाँ पर पहाड़ माउंटेन्स रीजन दिखाया गया है, ये हिमालयन रीजन दिखाया गया है, और ये वाला हमारे पास पिंक में जो है वो ट्रांस हिमालयन रीजन जो है दिखाया गया है, ठीक है। तो ये इसकी फिजियोग्राफिक डिवीजन है। तो आपको बस जो है ये जानना है शिवालिक्स के बारे में, ये हमारा शिवालिक्स है। यहीं पर मैं बात करता हूँ द नॉर्दर्न स्लोप ऑफ द शिवालिक, ठीक है, आर स्टीप विथ थिन कवर ऑफ वेजिटेशन। नॉर्दर्न में जो है वेजिटेशन बहुत कम है। और यहीं पर एक इम्पॉर्टेंट लेक आती है मानसर लेक, जो कि सिचुएटेड है टू द ईस्ट ऑफ द जम्मू सिटी, जम्मू सिटी के ईस्ट में इन द शिवालिक रीजन। तो शिवालिक में ही जम्मू के जो है ईस्ट में जो है मानसर लेक जो है वो सिचुएटेड है। चलते हैं हम अपने अगले पॉइंट की तरफ। अब हम देखेंगे ड्रेनेज सिस्टम, जम्मू का ड्रेनेज सिस्टम। तो ड्रेनेज में हमें यहाँ के रिवर्स के बारे में पढ़ना होगा। तो यहाँ पर हम जम्मू डिवीजन नहीं, खाली जम्मू डिस्ट्रिक्ट का रिवर देख रहे हैं। जो फेमस रिवर है तवी, तवी इज अ रिवर डेट फ्लोज थ्रू द सिटी ऑफ द जम्मू, ये हमारे पास जो है वो जम्मू है ये रेड में, और ये हमारे पास डोडा डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। तो याद रखेंगे ये डोडा डिस्ट्रिक्ट है, ये जम्मू है, ये यहाँ से यहाँ, और बीच में उधमपुर है। तो जम्मू जो है तवी जो है इज अ रिवर डेट फ्लोज थ्रू द सिटी ऑफ द जम्मू, जो जम्मू सिटी से जो है वो फ्लो करता है तवी, ठीक है, जानते हैं हम सारे। तवी रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम द लैप ऑफ कैलाश कुंड ग्लेशियर, कहाँ से ओरिजिनेट होता है कैलाश कुंड ग्लेशियर, और ये कैलाश कुंड ग्लेशियर कहाँ पर है, भद्रवा में है, ठीक है। भद्रवा से जो है यहाँ से यात्रा भी जाती है कैलाश कुंड ग्लेशियर, एक्चुअली ये इसके साथ वाले रीजन में है, साउथ वेस्ट में है, भद्रवा के साउथ वेस्ट में है। तो यहाँ पर डोडा डिस्ट्रिक्ट में भद्रवा है, और यहाँ के साउथ वेस्ट में है, साउथ वेस्ट में है भद्रवा के डोडा डिस्ट्रिक्ट में, और यहाँ से रिवर जो है वो ओरिजिनेट होता है इस ग्लेशियर से, और फिर यहाँ से फ्लो करते हुए ये जम्मू आता है, ठीक है।
तो यहाँ से जम्मू आता है यह रिवर, तो हम कह सकते हैं कैलाश कुंड ग्लेशियर से जो है हमारा तवी निकलता है, और ये कहाँ पर है, एडजॉइनिंग एरिया में है साउथ वेस्ट ऑफ भद्रवाह के, और जो है भद्रवाह से आप डायरेक्टली आके जो है इसे देख भी सकते हैं, ठीक है, दिख जाता है आपको टाउन से ही जो है ये कैलाश कुंड ग्लेशियर दिख जाएगा। सो लेंथ अगर हम बात करते हैं ऑफ तवी रिवर की, जो है लेंथ बहुत इंपॉर्टेंट है, लेंथ आप याद रखेंगे 141 किलोमीटर की लेंथ है, 141 किलोमीटर की लेंथ है, और अगर मैं बात करता हूँ इसकी जो विड्थ है वो कितनी है, 300 मीटर की, मतलब 980 फीट की जो है वो विड्थ है। आप यहाँ पर देख रहे हैं बहुत से ब्रिजेस जो है, एक यहाँ पर ब्रिज है, यहाँ पर ब्रिज है, इस किस्म के चार ब्रिज जो है तवी रिवर पे बने हुए हैं। तो अगर मैं बात करता हूँ द हाइट ऑफ गुज्जर नगर ब्रिज, जो गुज्जर नगर में आप फेमस ब्रिज है, ठीक है, गुज्जर नगर का ब्रिज जो फेमस है वो 90 मीटर हाइट है उसकी, ये नीचे से लेकर जो ऊपर तक हम है ना, ये हाइट जो है वो कितनी है, 90 मीटर हाइट है। और जम्मू की जो तवी जो है ये बेसिकली जो है लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है रिवर चिनाब की, रिवर चिनाब जो है उसकी जो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है तवी रिवर, तो आप याद रखेंगे इस बात को, लेफ्ट बैंक है राइट बैंक नहीं है, ठीक है, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है चिनाब रिवर की, और यहीं पर जो है आप याद रखेंगे इस पे चार ब्रिज बने हुए हैं और पांचवा जो है वो बन रहा है, फोर ब्रिजेस हैव बीन बिल्ट ओवर तवी रिवर इन जम्मू सिटी। कहाँ कहाँ, एक तो कौन कौन से वो ब्रिज है, एक जो गुज्जर नगर को जो है बहु एरिया से जो है कनेक्ट करता है, बावे एरिया से कनेक्ट करता है एक ब्रिज, और एक विक्रम चौक को जो है वो कनेक्ट करता है, ठीक है, दो ब्रिजेस वहां पर कनेक्ट करते हैं विक्रम चौक एरिया को, और फिर जो है हमारा एक भगवती नगर उस साइड जो है रत्नाचक साइड जो है एक और जो है वो ब्रिज बन रहा है। उसके अलावा जो है ये एक बाई एक नया ब्रिज जो बना है अभी, वो नगरोटा बाईपास पे जो है वो एक नया ब्रिज बना हुआ है। तो ये चार ब्रिज है हमारे जम्मू पे तवी रिवर पे, कुल मिलाकर जो है वो अगर नगरोटा वाले को भी गिने तो पांच हो जाते हैं, ठीक है, चले आगे। अगला हमारे पास है मानसर लेक के बारे में, जैसे अभी हमने थोड़ी देर पढ़ा था मानसर लेक के बारे में, ये हमारे पास मानसर लेक है, मानसर लेक जम्मू से जो 62 किलोमीटर की दूरी पे है मानसर लेक, ठीक है, मतलब 39 माइल्स है फ्रॉम द जम्मू सिटी, तो पूरा नाम सुरिनसर मानसर लेक है, और इसके लिए इम्पोर्टेंट बात यह है कि यह रामसर कन्वेंशन में जो है नवंबर में जो है ये बेसिकली 8 नवंबर को जो है रामसर कन्वेंशन में जो है इसको इंक्लूड कर दिया गया है। रामसर कन्वेंशन क्या है, हम अपने एनवायरमेंटल के लेक्चर में जो है पढ़ चुके हैं, अगर आपने देखी होगी वीडियोस, ये वेटलैंड होता है ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंट स्पेशली एज द वाटर फ्लो हैबिटेट, ठीक है, एन इंटरनेशनल ट्रीटी है फॉर द कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूज ऑफ द वेटलैंड, वेटलैंड का जो है कंजर्वेशन किया जाए और उसको जो है उसकी जो है कंजर्वेशन के साथ साथ सस्टेनेबल यूज किया जाए, तो उसमें जो है इसको 2005 में जो है वो इंक्लूड कर दिया गया है, 2005 में 8 नवंबर था शायद, एक्चुअली डेट मुझे याद नहीं, आप देख सकते हैं, और यहीं पर जो है यह बात याद रख लेना इसके लिए एक और, हाँ, रामसर कन्वेंशन के लिए जो है वो बात आप याद रख सकते हैं कि रामसर जो है वो जगह है एक ईरान में, ईरान की एक सिटी है उसी के नाम पे ये पड़ा है रामसर कन्वेंशन, 1971 में शायद ये ट्रेटी हुई थी, हाँ शायद एग्जैक्टली यही डेट है, आप याद रख लेना। चलते आगे टोपोग्राफी को कंटिन्यू करेंगे। जम्मू के क्लाइमेट की मैं बात करता हूँ, तो जम्मू डिस्ट्रिक्ट हैज अ सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट, कैसा क्लाइमेट है यहाँ का, सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट है, मतलब जो ये गर्मियों में जो होता है वो हॉट और ड्राई क्लाइमेट होता है, गर्मियों में हॉट होता है और ड्राई क्लाइमेट होता है इन समर, और कोल्ड में विंटर्स में जो होता है वो कोल्ड क्लाइमेट होता है। तो बींग इन द फुट हिल्स ऑफ द माउंटेन्स नाइट्स आर जनरली कूलर, यहाँ की जो रातें होती है वो नाइट्स जो होती है वो ठंडी होती है, और जो एज कम्पेयर टू द पंजाब और अदर स्टेट की अगर हम बात करते हैं तो एडजॉइनिंग स्टेट्स की, तो नाइट जो होती है यहाँ पर वो ठंडी होती है, तभी तो आप पढ़ते हो डेली एक्सेलसियर पे नाइट का टेम्परेचर कितना कम दिखाया जाता है, पहले पेज पे दिया जाता है डेली एक्सेलसियर के, और दिन का टेम्परेचर अलग से दिया जाता है, डेली एक्सेलसियर जम्मू कश्मीर का एक अखबार है जिसपे जो है डेली टेम्परेचर दिया जाता है, तो उसमें नाइट का टेम्परेचर और जो है और दिन का टेम्परेचर दिया जाता है, दोनों को कंपेयर करके देख सकते हैं, तो जरूरी जो है उसमें कुछ ना कुछ फर्क होता है,
तो यहाँ पर याद रखेंगे जो मिनिमम और मैक्सिमम टेम्परेचर यहाँ पर देखा गया है, मिनिमम टेम्परेचर जो होता है वो 4 डिग्री तक चला जाता है और सेल्सियस एंड 47 डिग्री सेल्सियस। लेकिन ये भी डिपेंड करता है कि समर है कि विंटर। विंटर में तो इवन जो है 0.9 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो है वो चला गया है, और मैक्सिमम जो है ये समर में जो 46-47 तक जो है टेम्परेचर जम्मू का जो है होता है। तो ये था जम्मू के क्लाइमेट के बारे में। अब जो जम्मू डिस्ट्रिक्ट है, इट इज सेपरेट ओवर एन एरिया ऑफ 30797 स्क्वायर किलोमीटर। देखिए, इससे पहले मैंने जो है वो क्या बोला था, 2000 कुछ बोला हुआ था, ये कुछ बुक्स में जो है इधर उधर लिखा गया है, मगर आपको याद रख लेना है जियोग्राफिकल एरिया जो है 2000 2600 से 3000 के बीच में है। ठीक है, तो इसकी जो पॉपुलेशन है वो हमने पहले ही डिस्कस कर ली है, 15 लाख के आसपास है ये 2011 के मुताबिक है। यहीं पर बात याद रखेंगे। कुछ और वन लाइनर पॉइंट आपके लिए, वो क्या है, इट इज अ लार्जेस्ट पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट है ऑफ द यूनियन टेरिटरी। और यहीं पर बात रखेंगे सेकंड लार्जेस्ट इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी। पॉपुलेशन डेंसिटी के मुताबिक ये जो है सेकंड लार्जेस्ट है, और लार्जेस्ट पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट तो है लेकिन सेकंड लार्जेस्ट है पॉपुलेशन डेंसिटी के मुताबिक। और यहीं पर अगर हम लिटरेसी की बात करते हैं, लिटरेसी की अगर हम बात करें